गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में फोर्थ चैप्टर हवा की आत्मकथा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर मनु। डॉक्टर मनु ने इस पाठ में हवा के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि हवा अपनी कहानी स्वयं कह रही है। हवा, वायु। हवा का क्या अर्थ होता है? वायु। हवा का दूसरा अर्थ भी, दूसरा अर्थ समानार्थी शब्द क्या होता है? वायु, समीर। ठीक है। आत्मकथा, आत्म यानी स्वयं, कथा कहानी। तो वायु अपनी स्वयं की कहानी बता रही है, कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, सबके लिए मैं कितना ज़रूरी हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा जीवन संभव नहीं है। मेरे बिना ना तो तुम सांस ले सकते हो, और मेरे बिना ये पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर ये नहीं बनेंगे तो तुम्हें अनाज कहाँ से मिलेगा, और तुम्हें सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी। तो यहाँ इस पाठ में ये बताया गया है कि हवा के बिना सांस लेना मुश्किल है। हवा के बिना हम महक को महसूस नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर जीवन संभव तभी है जब हमें हवा यानी सांस मिलेगी। सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी तो ही हम इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब है उद्देश्य। इस पाठ को प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है? इस पाठ में हवा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? हवा के बारे में। हवा के बिना सांस लेना मुश्किल है। हवा के बिना क्या लेना मुश्किल है? सांस लेना मुश्किल है। हवा के माध्यम से ही हम महक को महसूस करते हैं, सुगंध को महसूस करते हैं, दुर्गंध को महसूस करते हैं। हवा के चलने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधों में नया जीवन आ जाता है। हमें हवा को दूषित होने से बचाना चाहिए। प्रदूषित होने से, गंदा होने से बचाना चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए पाठ, हवा क्या बोलती है, हवा क्या बोल रही है, हवा हमें क्या समझाने का प्रयास कर रही है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पृथ्वी जिसे हम भूमि भी कहते हैं, पृथ्वी पर तुम बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो। हवा कहती है कि पृथ्वी पर तुम सभी बच्चे, छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद प्रेम से रह पा रहे हो, तो इसलिए कि मैं हूँ। यहाँ मैं किसे बताया गया है? हवा को। मैं यानी हवा। तुम आश्चर्यचकित होकर सोच रहे होंगे कि क्यों भला कि हवा से कोई आनंद और खुशी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते क्या? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर बच्चे बड़े सोचते हैं कि पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो भला मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है? हवा कहती है कि सब ऐसे सोचते हैं कि पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हवा का होना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ। तो घुटन महसूस होने लगेगी ना, क्यों भला? तो बच्चों, अपनी नाक को उंगली से दबाओ, ऐसे दबाना है आपको।
आपको घुटन महसूस होगी। अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हमें घुटन महसूस होने लगेगी। इसलिए कि सांस लेने से तुम सभी लोग जीवित हो। अब हम सभी लोग क्यों जीवित है? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। सांस लेने से ही हम सभी लोग जीवित हैं। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है और सांस रुकते ही दम निकलने लगता है, हमारी सांस निकलने लगती है, हमें घुटन से महसूस होने लगती है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए मेरी कितनी ज़रूरत है? हवा कहती है कि अब सोच कर देखो कि सांस लेने में मेरी कितनी ज़रूरत है। हवा की ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम जीवित नहीं रह सकते। तो अब समझ गए ना, मैं कितनी, यहाँ मैं हवा कितनी ज़रूरी है। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। हवा कहती है कि जब मैं चलती हूँ, मैं बहती हूँ, तब सबको अच्छा लगता है। और जब मैं कुछ रुक जाती हूँ, जब मैं कुछ रुक सी जाती हूँ, जब हवा नहीं चलती है तो सबको घबराहट होने लग जाती है, सब घबराने लग जाते हैं, सबको गर्मी का एहसास होने लग जाता है और घबराहट सी महसूस होने लगती है। यूँ जब आदमी ने मेरे तेज वेग, मेरी गति और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फ़ायदा उठा लें तो फिर बड़े बड़े काम चुटकियों में आसानी से हो सकते हैं। अब देखिए, आदमी ने जब हवा के वेग को, उसकी गति को, उसकी ऊर्जा को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फ़ायदा उठा लें, इसका कुछ लाभ उठा लें तो फिर बड़े बड़े काम आसानी से हो जाएंगे, चुटकियों में हो सकते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा, हवा कहती है कि तुमने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कि पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हवा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हवा की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए कैसी पुक पुक पवन चक्कियाँ चलती है। चलती है ना पवन चक्कियाँ पहाड़ों पर, और उनसे कैसा बढ़िया आटा पिसता है। आटा जो आप खाते हो ना, चपाती खाते हो, वो उसी आटे की बनती है। जो आटा पवन चक्कियों से पिसकर निकलता है, बगैर किसी इंजन या बिजली के मोटर के, वो पवन चक्कियाँ चलाने के लिए किसी इंजन की या बिजली की मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम आसानी से होने लगते हैं, अपने आप होने लगते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो भले ही दिन रात मुझ में सांस लेते हैं। वो हवा कहती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भले ही दिन रात मुझसे सांस लेते हो लेकिन कभी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि हमने हवा में सांस लिया है, हवा से सांस लिया है, कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी है। वो महसूस नहीं करते हैं कि मेरी बाहें इतनी बड़ी बड़ी है और मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल, और मेरी हिम्मत कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, कितनी ज़्यादा है। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। तुमने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा। अच्छा, तुमने चिड़ियों को उड़ता हुआ देखा है? चिड़िया अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ती है। किसके सहारे उड़ती है वो? वो हवा के सहारे उड़ती है, हवा के कारण ही वे उड़ती है। पर क्या तुम्हें पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती है? अब हवा कहती है कि मुझे महसूस नहीं करो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि चिड़िया किससे उड़ती है?
चिड़िया मेरे बिना नहीं उड़ सकती है, मेरे सहारे से ही चिड़िया आसमान में उड़ पाती है। मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। आपने हवाई जहाज देखा है? वो आसमान में कैसे उड़ता है? कौन उसे आसमान में उड़ाता है? तुमने गैस के गुब्बारे या गुब्बारे देखे हैं? वो आसमान में क्यों उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं? पतंग भी उड़ती है ना आसमान में, वो किसके सहारे उड़ती है? हवा के माध्यम से ही उड़ती है। अगर हवा नहीं होगी तो आपकी पतंग उड़ जाएगी क्या? नहीं उड़ेगी। गुब्बारे आसमान में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ऐसे ही हवाई जहाज को आसमान में उड़ाने के लिए उसमें हवा की आवश्यकता होती है। अगर हवा नहीं होगी तो वो आसमान में नहीं उड़ सकता। यही नहीं, जीवन के रोज़मर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। हवा कहती है कि यही नहीं है, इतना ही नहीं, मैं जीवन के जो रोज़ के काम हैं उनमें भी मैं खूब मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल तो सबके पास होगी, या पापा की मोटरसाइकिल, पापा के पास भी होगी मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो। आज आप अपनी साइकिल या अपने पापा की मोटरसाइकिल के पहियों के हाथ लगाकर देखना कि वो सख्त है, ऊपर से सख्त है, लेकिन जो अंदर ट्यूब होती है उसमें क्या भरी होती है? हवा। उस हवा से ही आपकी साइकिल और आपके पापा की मोटरसाइकिल चलती है। अगर उसमें हवा नहीं होगी तो वो नहीं चल सकती है। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगा कर देखो, यह कितना सख्त है, यह कितना मजबूत है। सख्त, मजबूत, और इसलिए सड़कों पर क्या फर्राटे से तेजी से दौड़ता है। मगर भाई, हवा कहती है कि मगर भाई इसे भूलना नहीं है, भूलो मत, इसके अंदर भी मैं ही मौजूद हूँ। हवा कहती है कि जो टायर होते हैं साइकिल के चाहे मोटरसाइकिल के, इन टायरों के बीच में मैं ही मौजूद होती हूँ, मैं ही होती हूँ, तभी तो वो इतनी तेज़ी से चल पाती है। अगर तुम्हारा कोई शरारती, कोई शैतान दोस्त या घर में कोई शैतान बच्चा होता है, वो क्या करता है? गाड़ियों की हवा निकाल देता है, फिर गाड़ी चल पाती है क्या? नहीं चल पाती है। अगर तुम्हारा कोई शरारती दोस्त पहिए में से मुझे बाहर निकाल दे, मुझे किसे कहा गया है? हवा को, तो पहिया पुश हो जाएगा, पहिया पिचक जाएगा, फिर उसे चलाकर देखना वह चलेगा क्या। अगर पहिया पुश हो जाएगा, पिचक जाएगा, तो फिर उसको चला कर देखना, देखे तुम्हारी गाड़ी चलती है क्या। आप देखिए, आपके पापा की या आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, उसकी हवा निकल जाती है, तो क्या आप चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। फिर भी आप ज़बरदस्ती चलाओगे तो क्या होगा? उसकी ट्यूब कट जाएगी। आपको साइकिल चलाने के लिए नई ट्यूब, नई हवा की आवश्यकता होगी। तो हवा के बिना ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद हो, आपकी जो गेंद बॉल होती है उसमें क्या भरी होती है? हवा? हवा भरी हुई होती है उसमें? हवा से ही तो वो फूलती है, हवा से ही उसको हवा भरी होती है उसमें। फुटबॉल या वॉलीबॉल सब बेकार है, चाहे फुटबॉल हो चाहे वॉलीबॉल हो, सब में क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। अगर मैं नहीं हूँ तो वो सब बेकार है। अगर उनमें हवा नहीं भरोगे, गैस नहीं भरोगे, तो क्या वो फूल सकती है? और फूले बगैर तुम खेल सकते हो क्या? नहीं खेल सकते।
मेरे कारण ही वे फूले फूले रहते हैं। हवा कहती है कि मेरे कारण ही वो बॉल, वो गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब फूली फूली रहती है और उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है कि तुम सब बच्चों को ललचाता है, तुम सब बच्चों को आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती है। अब हवा कहती है कि इतना ही नहीं है, मेरे बिना तो संगीत जो आपके संगीत की दुनिया है, जो म्यूजिक चलता है, वह भी बहुत खाली खाली सा है, उदास सा है। मेरे बिना तुम संगीत भी ना सुन सकते हो, ना तुम संगीत बना सकते हो। संगीत के वाद्यों से, संगीत के जो वाद्य, जो यंत्र होते हैं, उस मुझमें लहरें पैदा होती है। जो वाद्य यंत्र होते हैं उनसे जो लहरें पैदा होती है वे हवा ही होती है, और फिर वे देखते ही देखते संगीत के शुरू में ढल जाती है। वे संगीत के शुरू में, आप संगीत का वाद्य यंत्र बांसुरी लीजिए, बांसुरी में फूंक मारेंगे तभी तो संगीत निकलेगा, तभी तो उसकी आवाज़ निकलेगी। फूंक क्या है? फूंक हवा है। हवा बांसुरी में डालोगे, फूंक मारोगे तभी तो उसमें से सुर निकलेंगे। अगर हवा मत, उसमें आप फूंक मत मारो, देखिए उसमें से आवाज़ निकलती है क्या, उसमें से संगीत निकलता है क्या? नहीं निकलता है। और फिर वे देखते ही देखते संगीत के शुरू में ढल जाती है। मगर भाई, हवा कहती है इससे भी ज़रूरी एक बात तो छूट ही गई, हवा कहती है कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक बात तो छूट ही गई। तुम अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हो तो आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो, यह कैसे संभव है? आप अपने मम्मी पापा से एक बार बात कर देखिए, आप उनकी आवाज़ सुनते हैं, वो आपकी आवाज़ सुनते हैं, वो किसके माध्यम से सुनते हैं? हवा के माध्यम से ही सुनते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो आपकी आवाज़ दूसरी जगह जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो, यह भी इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ, मैं हवा मौजूद हूँ। हवा से ही हम हमारा संदेश एक से दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। हम बात करेंगे, बात करने पर जो अक्षर, जो स्वर निकल रहे हैं, जो हमारी भाषा निकल रही है, वो दूसरा कैसे समझेगा? हवा से ही समझेगा। तो इसमें शक नहीं है कि मैं तुम्हारी रात दिन की साथी हूँ। अब हवा कहती है कि अब इसमें कोई शक नहीं है, कोई वहम नहीं है कि मैं तुम्हारी रात दिन की साथी हूँ। मैं तुम्हारे लिए दिन रात ज़रूरी हूँ, तुम्हारी दिन रात की दोस्त हूँ, साथी हूँ। तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मेरी दोस्त हैं। किसके साथ साथ? लोगों के साथ साथ। वनस्पतियाँ भी मेरी दोस्त हैं। वनस्पतियाँ किसकी दोस्त है? हवा की दोस्त है, जो हमेशा मुझ में शुद्ध रखने में मेरा। हवा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधों और वनस्पतियों की भी दोस्त हूँ। वनस्पतियाँ जड़ी बूटियों की भी दोस्त हूँ, वे भी मेरे ही साथी हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती हैं, जो हमेशा मेरे अंदर शुद्धता लाने की कोशिश करती है, शुद्धता लाने में मदद करती है। पर अफसोस, पर दुख की बात है, इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। अब हवा कहती है कि ये बहुत दुख की बात है,
कि लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित भी कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। हवा कहते हैं कि कहीं कहीं तो मैं खुद सांस लेने लायक भी नहीं हूँ। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। हवा कहती है कि लगातार मैं प्रदूषित होती रही तो यह धरती सांस लेने लायक भी नहीं रहेगी। अगर इस धरती में इस धरती को सांस लेने लायक रखना है तो मुझे प्रदूषित होने से बचाना होगा। खुशी की बात यह है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। अब हवा कहती है कि खुशी की बात यह भी है कि इस पर्यावरण में, इस वातावरण में मेरे प्रति जागृति आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत, जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। हवा कहती है कि आज इस पर्यावरण में चेतना का विस्तार होने लगा है। इस पर्यावरण से प्रदूषण को हटाने का प्रयास किया जाने लगा है। प्रदूषण होने वाली जो वस्तुएं हैं, प्रदूषित हमारे वातावरण को जो प्रदूषित करने वाली वस्तुएं हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और इनके प्रति चेतना जागृति लाई जा रही है कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है। अगर हम यही जागरूकता बनाए रखते हैं तो हमारी कल की दुनिया बहुत सुंदर होगी। चलो इतनी बातें हो गई, अब मुझे हंसकर विदा करो। हवा कहती है कि मैंने इतनी सारी बातें कर ली, अब मुझे हंसकर विदा कीजिए ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं। हवा कहती है कि अब मुझे यहाँ से विदा कीजिए, मैं बगीचों में जाकर फूलों को भी खिलाऊं, अर्थात उन्हें भी हवा की आवश्यकता है। हवा मिलते ही वो खिलने लग जाएंगे। चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं, आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। हवा कहती है कि ऐसा होने पर ही बगीचों में फूलों को खिलाऊंगी तो उनमें से खुशबू निकलेगी, तभी तो ये दुनिया सुंदर बनेगी। संदेश, इस पाठ में क्या संदेश दिया गया है? हवा सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। हवा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसे प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए, इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए, इसे प्रदूषण रहित रखने का प्रयास करना चाहिए। शब्दार्थ, हैरान, आश्चर्यचकित, दम, सांस, घुटन, सांस न ले पाना, रोज़मर्रा, रोज के फर्राटे से, तेजी से, शरारती, शैतान, वनस्पतियाँ किस किस को कहते हैं? पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ, सहयोग, मदद, पर्यावरण, वातावरण या हमारे चारों ओर का माहौल, सचेत, सजग। तो बच्चों, आज आपको कॉपी में, होमवर्क में क्या करना है? जो कठिन शब्द है वो अपनी कॉपी में लिखना है और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।